press the bell icon on YouTube app and never miss another update. भारत में परचम लहराने के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो विदेशी सरजमी तक पहुंच बढ़ाने में लगी हुई है। कंपनी इस्टोनिया में अपने सब्सिडियरी सेटअप की प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि शुरुआत के लिए रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस्टोनिया यूनिट को 12.20 करोड़ रुपए का लोन देगी। मुकेश अंबानी इस्टोनिया सरकार के डेलीगेशन का एक बैठक में कार्य करने की इच्छा जाहिर की। वह देश के ई गवर्नेंस सॉल्यूशन को भारत के लिए बेहतर बनाने के लिए साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। इस्टोनिया में जियो की पहुंच के बाद कंपनी का इस्टोनिया यूनिट टेलीकॉम मार्केट तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा, जिससे कंपनी को भारत में चल रही प्राइस वार में लंबे समय तक बने रहने में मदद मिलेगी। यूरोपियन मार्केट में जियो की पहुंच के बाद भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन और कठिन व कम मार्जिन वाला हो जाएगा। हालांकि कंपनी रेवेन्यू के लिए अन्य स्रोत की तलाश कर रही है। भारतीय मार्केट में कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.